तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के स्टॉक के बारे में। आरबीएल बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो स्टॉक है वो अभी हमको लगातार यहाँ पर इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अगर यहाँ पर स्टॉक को देखें तो हमको यहाँ पर स्टॉक में एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपनी इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी तो फिलहाल हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.24% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से जो गिरावट की कंडीशन में हमारे पास 200 to 228 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 217, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 200, अब इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 187 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एस एन सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 236 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 250, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 275, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 290 300 और इसके ऊपर तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट टाइप रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।